Welcome back to Carpe Diem with Ridhima. In last episode, you saw the glimpse. He built this heritage hotel, the Divadkar Hotel. The hotel is managed by Mr. Sandeep Divadkar, ये जो यहाँ पे बैठे हैं, और ये hotel Mathran Station से बाहर आते ही आपको दिख जाएगा, और बिल्कुल market area में. गुनाजीज के अलावा ये hotel के बहुत बड़े चाहते हैं, जैकी श्रॉफ जी, फिर राजकुमार जी आते थे यहाँ पे. रमेश देव जी आया करते थे. सो ऐसे काफी सारे सेलिब्रिटीज का भी ये फेवरेट होटल है. यहाँ का साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट भी काफी अच्छा होता है. इतना चलने के बाद भूख तो लगी थी, हम तो बटाटे वड़े पर टूट पड़े. यहाँ पे हमने एक डिनर भी किया, और डिनर के टाइम हमने गर्मा गर्म कबाब्स, फिर चाइनीज, पंजाबी, इतनी वैरायटी खाई है ना हम लोग ने, और सभी की टेस्ट वाज एक्सीलेंट. यहाँ का खाना ना मस्ट ट्राई कैटेगरी में आता है. डिनर के साथ लाइट म्यूजिक, प्लेजेंट वेदर, और इतना बढ़िया खाना, वाव. यहाँ पे कैलीग्राफी आर्टिस्ट मिस्टर योगेश भी थे, और उन्होंने उनके आर्ट से हमें काफ़ी इम्प्रेस किया. और ये देखिए, ये उन्होंने हमें गिफ्ट भी किया. यहाँ पे रहने के लिए रूम्स भी हैं, काफ़ी स्पेशियस रूम्स हैं. रूम्स सिंपल है लेकिन एकदम क्लीन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर जेम, होटल लक्ष्मी. आई लव दिस प्लेस. ये 1905 से होटल है. इसके अभी के जो ओनर है मिस्टर निमेश, उन्होंने मुझे बताया कि ये होटल 1905 में इनके परदादा ने 16,000 रुपए में लिया था. दैट टाइम 16,000 रुपए वॉज अ बिग अमाउंट, और आज भी उसका जो विंटेज चार्म है ना, वो इंटैक्ट है. ये देखिए, यहाँ के गुजराती थाली की तारीफ तो मैंने मिलिंद और रानी से तो बहुत सुनी थी. यहाँ के ओनर विश्वल, जो निमेश के भाई हैं, तो उन्होंने इतने प्यार से हमको फूड सर्व किया, और उनकी माता जी है, उन्होंने ये थाली बनाई हुई थी. एंड आई टेल यू, ये थाली इतनी बढ़िया थी ना. अगर आप माथेरान में हो तो ये दो प्लेसेस ज़रूर विजिट कीजिए. ऑनेस्टली आई एम नॉट अ पूरन पोली फैन, बट यहाँ की जो पूरन पोली है, मैंने पहले सोचा था कि मैं छोटा सा टुकड़ा खाऊंगी, बट लेट मी टेल यू, आई हैड टू पूरन पोलीज. सो यू कैन इमेजिन कि कितनी बढ़िया होगी.